जाई कथि ल पुजलो सब बेकार भागल सब बेकार हो गया। अगर आज मां मुझे दर्शन नहीं दिया है तो मैं सर पटक पटक के मर जाऊं। आज दर्शन नहीं देता है तो द्वार पर जाके दुर्गा मां कपार फोड़ दे। मां को ऐसे बोलता है तीन चार को कपार फोड़ देबे दुर्गा मां। चलो तो आज चलो तुम भी जाएगा। अब हां चलो पूजा करते हैं। यह मंदिर से आके बैठो बैठो। अरे इसी तरह मंदिर में बैठता है। एक बार पूजा न करबे प्रतिमा में बैठो जिस तरह हम बैठते हैं। पहले मैं भजन गाओ कि तुम गाएगा? मैं कहीं जाएला हमार भजन नंबर भ जाए छे। अच्छा आते असनी बेटी। हे माँ तुम नहीं जानती हो ये 12 बरस तुम्हें पूजा करती आई हूँ
ये मकवा शहर में, लेकिन तूने मुझे मुझे इतना दिन से दर्शन नहीं दिए थे माँ, तुम मुझे आज दर्शन दी है तो जो मेरी मन की लालसा है वो मेरी मन की लालसा पूरा करो माँ। क्या बेटी तुम्हारी मन में क्या लालसा है? हे माँ। हाँ बेटी। मैं जिस पुरुष को चाह रही हूँ वो पुरुष नहीं मिलेगी माँ। क्या? हाँ माँ। देखो बेटी, जिस पुरुष पे तूने अचर खुद बांध के रखी है उस पुरुष तुलसी नार को मिलेगा। क्या? तुलसी नार? हाँ बेटी। हे माँ, आखिर मुझे कैसे मिलेंगे, किस भेष में मिलेंगे? देखो बेटी, तुम यहाँ से जाना और अपने घर में झाड़ू लगाना, इसी वक्त तुम्हारी भाभी आएगी और तुमसे झगड़ा करेगी। हाँ माँ। तुम अपने माँ से उधर लेकर तुलसी नार चली जाना और माँ से सोने की घैला और रेशम दूर मांग लेना बेटी। क्या? हाँ बेटी। क्या मैं एक राजा की बेटी होकर क्या एक नारी की भेष धरूं? नहीं माँ, ये शोभा नहीं दे रहा है। देखो बेटी, अगर उस पुरुष को तू चाहती हो तो तुम्हें नौरी के भेष बनना पड़ेगा। भगवत जी देखे छो क्या रे? दुर्गा माय के जरूर बुखार आर लगे रे, देह टूटल छै बीचे रे। देखो बनावट होता है किसी को, बुखार नहीं लगा है माँ को, कहीं बुखार लगता है पेट और खराब हो पानी गिरल तो नहीं दुबरे जाए। हे माँ, घर में एक नौरी की भेष धर के अपने घर में झाड़ू लगाऊंगी, उसी समय मेरी भाभी आएगी, उसी झगड़ा होगी और मैं अपने माँ को बुलाकर क्या एक नौरी की भेष धर कर और सोने की घैला उघन लेकर तुलसी नार चाहे तो मुझे होने वाले पति देव मिल जाएगी माँ। हाँ बेटी, अवश्य मिलेंगे। आखिर कैसे मिलेंगे, किस हाल में होगा? देखो बेटी, एक कोरी का भेष मिलेगा। क्या माँ, कैसी बात कर रहे? हे माँ, हंसी मत कहो। अरे पागल, तीरथ व्रत बोलो तब कोरिया होते गाड़ी के चलते बारछलियन। अच्छा वो नियम की छे से तनी बतबो तो। देखो उसका यही नियम होगा जो सात दिन और सात रात बारिश होगा, आंधी तूफान, अगर तुम्हें तुलसी नार से जाने से अगर तू जाती है वहाँ जाएगी, अगर कोई पुरुष आ गया तुलसी नार, अगर बारिश बंद हो जाएगा तो मान लेना जो ही मेरा पति है। बारिश होती रहेगी, अगर उस रास्ता होकर के कोई पास करेगा, सनकल हो, पागल हो, कोरी कुष्ठ हो, चाहे जैसा भी हो, अगर बारिश बंद हो गया तो समझ लेना कि वही सुरमा चुहरमल भेष बदल करके आया है छल से। माँ झूठ तो नहीं बोलती हो? नहीं बेटी, मैं क्यों झूठ? मैं सुनी हूँ कि देवी माँ भी झूठ बोलती, इसलिए बोल रही हूँ। देखो बेटी, जो भक्त देवी देवता के साथ छल करते हैं उसी भक्त के साथ देवी देवता भी छल करते हैं। मुझे होने वाला पति जब मिलेंगे तो चाहते हो मक्का शहर में क्या करूँगी? क्या करूँगी बेटी? Thank you.
बेटी अब तुम इंद्र का विलास चाह सकती हो। अरे दुर्गा माँ क्या मेला में साइकिल चोरी हो लगल अपना अपना मोटर साइकिल साइकिल पर भाई एकदम खबरदार रहिए क्योंकि एक आदमी का साइकिल चोरी हो गए दुर्गा माँ। ए क्या बात है बाप भरे झरा फिर लिए चोरिया ले कोई अरे पागल अच्छा यहाँ दुर्गा माँ क्या तोरा बिया भेल अरे पागल देवी माँ को कभी शादी नहीं हुआ है अरे दुर्गा शादी भेबे न कले बाल बच्चा भेबे न कले तो माय के नाम कहले अलग लो तू कैसा मूर्ख है मैं माँ इसलिए कहलाती हूँ जो मृत भुवन में जितने भक्त गण है अच्छा अपना माँ समान पूजती है और माँ मान के पूजते हैं इसीलिए मैं माँ कहलाती हूँ। कुमार का कहीं माय काल के बाल न बचा यार आए उपाय पत्तर नहीं छल किया नहीं भला। अरे मूर्ख मूर्ख तू देवी माँ से मजाक करता है तो हमरा से क्या करबो। अरे पागल मैं तुम्हें अभी अपने तेगा से तुम्हें बलि चढ़ा दूंगी। क्या करा तुम्हें बार में सीधा छबेन करा बैल दे पर सामान के हम दुर्गा माई का क्या पता सुनती दुर्गा माई का। अरे मूर्ख मैं तुम्हें अभी गोंग बना देती हूँ तब तुम तोरा देखियो शक्ति तो दुर्गा माई देखे छे आसिन में लोग पान प्रसाद चढ़ा खस्सी पर खस्सी कटे तोरा देख बिस्कुटो नहीं देखो मैं तुम्हें अभी गोंग बना देती हूँ। देखिए दुर्गा माँ तोहर जोत हमरा तो केना गोंग बना दे तो ठीक है इसी तरह तू पे पे करते रहना मैं जाती हूँ अपनी इंद्र का विलास। तो इसी तरह पॉय पे करते रहना अब मैं जा रही हूँ। अरे पढ़ाई पढ़ाई क्या कर रहा है तो ठीक है मैं अभी सही कर देती हूँ। जय माता जगत रे तो जगत का माता छो हम पिता दुर्गा माई छलबुती करके और मैं अपने फल का अखाड़ा में आ चुका हूं। मैं यहां थोड़ा भी आराम कर लेता हूं उसके बाद फिर अपना कुश्ती शुरू करूंगा।
हेलो हेलो ठीक ठीक आज मैं अपनी इंद्र के विलास से जा रही हूँ अजनीपुर शहर बेटा सोहर के दर्शन देने के लिए। हेलो त्यागो और देवी माँ से दर्शन करो। खुश रहो बेटा। शिमा हाँ बेटा, लाज में फल का अखाड़ा पे अमन चेंज कर रहा था तो याद तू कि माता मुझे दर्शन दी हो। माँ क्या आज कुछ बात है माँ? देखो बेटा ये इतनी बारिश हो रहा है जी अजनीपुर शहर तुम्हें डूब रहा है बेटा। आखिर माँ तो मैं क्या करूँ माँ? क्या? अरे बेटा तुम यहाँ से नहीं जाएगा तो पूरा अजनीपुर शहर डूब के नाश हो जाएगा। देखो बेटा पहले तू सत करो देवी माँ से तब मैं बताऊंगी। माँ हाँ बेटा, इसमें माँ बेटा में सत का क्या बात है? तू जो चाहोगी वो चूहर करने के लिए तैयार है माँ? नहीं बेटा, चूहर तू देवी माँ से पहले सत कर तब देवी माँ बताएगी। तो ठीक है, एक सत दो सत, अगर दूसरा सत कहा नहीं मानो तो यस्य कौन नरक में बास माँ। देखो बेटा तुम यहाँ से तुलसी नार चली जाओ बेटा। अच्छा माँ, इसलिए मैं तुलसी नार जाऊं माँ? देखो बेटा इसलिए जो तुम एक कोड़ी के भेष धारण करके तुलसी नार जाना पड़ेगा। माँ हाँ बेटा, क्या बोल रही है माँ? एक निर्मल शरीर छोड़ के और एक कोड़िया का भेष धारण करके मैं तुलसी नार
भीष्मा को दर्शन देने के लिए जाऊं। हाँ बेटा, अगर नहीं जाता हूं तो मेरा प्रिया बदल लग जाएगा। हाँ बेटा, तुम यहाँ से जल्दी तुलसी नार चले जाओ, नहीं जाओगे तो तुम्हें अवश्य प्रिया की बद लगेगा। माता देवी दुर्गा। हाँ बेटा, आज चोहर की साज सज करा के तू निर्बल शरीर तोड़ के कौर कुष्ठ बना दिया माँ। भगवान ठीक है माँ, मैं